कुलभूषण जाधव मामले को लेकर भारत ने आईसीजे में दमदार तरीके से अपना पक्ष रखा। उसने पुलवामा मामले को लेकर भी पाकिस्तान को जमकर घेरा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर जासूसी का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा सुना दी, तो इधर भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं मिलने पर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। भारत ने आईसीजे को बताया कि जाधव तक राजनयिक पहुंच के लिए उसने 16 बार पाकिस्तान से अनुरोध किया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार उसकी अपील को ठुकरा दिया। आईसीजे में सुनवाई शुरू हुई तो भारत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर तत्काल रोक की मांग की। दलील दी गई कि सुनवाई के दौरान जाधव को फांसी नहीं दी जा सकती है, सुनवाई के दौरान फांसी जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ होगा। 18 मई 2017 को पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। आईसीजे ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी। जज ने आदेश देते हुए कहा कि सुनवाई पूरी होने तक जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। 18 फरवरी 2019 से आईसीजे ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। इस केस की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। इस केस में भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ वकील हरीश सालवे को दी गई। दरअसल पाकिस्तान को लगता था कि वह अपनी खोखली दलीलों के सहारे कुलभूषण जाधव को फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। उसे लगता था कि इस मामले में भारत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाकर पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिंदुस्तानी बेटे को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए आमादा पाकिस्तान, झूठ का पुलिंदा लेकर पाकिस्तान आईसीजे में भारत के खिलाफ खड़ा है। आपको बता दें, पाकिस्तान जेल में बंद भारत की पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया था। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि कुलभूषण खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट है। जाधव को गिरफ्तार करने के 21 दिन बाद यानी 25 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान ने भारत को जाधव की गिरफ्तारी के बारे में बताया। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर को एक समन भी जारी किया। पाकिस्तान का कहना था कि बलूचिस्तान और कराची में रॉ अवैध रूप से दखल दे रहा है। 29 मार्च 2016 पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि जाधव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है और 10 अप्रैल 2017 को मिलिट्री कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान ऐलान कर देता है कि वह जाधव को फांसी देगा। दरअसल कुलभूषण जाधव मामले को लेकर पाकिस्तान ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी।